नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी की वजह से अंग्रेजों ने करीबन 150 साल तक भारत पर राज किया। यस, इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये कंपनी के बारे में हम लोग आज क्यों बात कर रहे हैं, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि इस कंपनी का मालिक कौन है और आज यह कंपनी कहाँ खड़ी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था, दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। दोस्तों, इसी वजह से अपने मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के एक सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक था, और दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर ही निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां पर तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप के प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को काफी पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमंतु व्यापारी राल फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई और यहाँ पर व्यापार बढ़ाने में लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन की महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर से हुई थी। कंपनी समुद्र के रास्ते भारत आई थी। उसने यहाँ के राज्यों से व्यापार के लाइसेंस प्राप्त किए। 1860 तक कंपनी ने पूरे भारत में अपना व्यापार जमा लिया था। धीरे धीरे कंपनी मद्रास, कोलकाता और मुंबई में फैल गई, और उसके बाद भारत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर भी उसने अपना दबदबा जमा लिया। व्यापार करते समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, और अलग अलग देशों में करीबन 250 साल तक इस कंपनी का दबदबा रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कारोबार किया ही, उसके साथ उन्होंने विभिन्न पुलों का निर्माण किया, रेलवे लाइन बनाई, बड़े बड़े बांध भी बनाए, लेकिन साथ में भारत के आम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ सख्त कानून भी बनाए। इस काल में भारतीयों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता था। कंपनी पहले से ही व्यापार और राजनीति में शामिल थी। अंत में 1 नवंबर 1874 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तब भारत से हट गई, लेकिन तब भी लंदन में वो मौजूद थी। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में साम्राज्य करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है? आपको ये जानकर खुशी होगी और चौंक भी जाएंगे कि ये कंपनी अब एक भारतीय व्यक्ति के स्वामित्व में है। जी हाँ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक है संजीव मेहता, जो कि एक भारतीय व्यक्ति है, और संजीव मेहता भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनके दादा बेल्जियम में हीरा व्यापारी थे। उनके पिता 1938 में भारत लौट आए और भारत में भी हीरों का व्यापार उन्होंने शुरू किया। संजीव मेहता भी 1979 में लंदन चले गए और वहीं बस गए। भारत में अस्तित्व के अंत के कारण अब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा कम होता जा रहा था। अंग्रेजों ने भी इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, और वित्तीय सहायता की कमी के कारण कंपनी के बुरे दिन थे, लेकिन नाम जरूर बढ़ा था। इसलिए लंदन में कुछ व्यवसायी 1980 से इस कंपनी को खरीदने की कोशिश करने लगे। करीब करीब 30 से 40 कारोबारियों ने कंपनी में निवेश करने के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। इसी बीच संजीव मेहता लंदन चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। संजीव मेहता ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उनका पारंपरिक हीरो का कारोबार फल फूल रहा था। 3 साल के अध्ययन के बाद संजीव मेहता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2003 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ शेयर भी खरीदे और धीरे धीरे अपना ध्यान उस कंपनी की ओर लगाया, और अंत में 15 अगस्त 2010 अपने इंडिपेंडेंस दिन के दिन संजीव मेहता द्वारा इस कंपनी का अधिग्रहण किया गया। वो आधिकारिक तौर पर उसके मालिक बन गए। वास्तव में ये एक प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति के लिए उस कंपनी को खरीदना एक बहुत बड़ी बात थी जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को भून डाला था, और उसके ठीक 21 साल बाद उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर उसका बदला लिया और जनरल डायर की हत्या कर
जलियांवाला बाग का हिस्सा पूरा कर दिया। ठीक इसी तरह मलिका नूरजहां ने 1516 में अपने पति बादशाह जहांगीर की शाही मुहर लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति देकर मुगल सल्तनत के पतन पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद यही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में राज करने लगती है और मुंबई का एक युवक संजीव मेहता लंदन में जाकर गुमनामी के अंधेरे में डूबी इस कंपनी का पूरा पता लगाता है और 5 साल की लगातार मेहनत के बाद उस कंपनी को खरीद कर अपने नाम करने में सफल होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के करीब 30 से 40 शेयर धारक थे। संजीव मेहता ने एक एक को ढूंढ कर कंपनी के शेयर अपने नाम करवाए। अगले साल संजीव ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने की योजना कर रहे हैं, यानी कि चक्र पूरा होगा और यह कंपनी इस बार भारतीय मालिकों के साथ दोबारा भारत पहुंचेगी। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अंग्रेजों के राज के दौरान भारत पर हुकुम चलाती थी और विश्व के करीबन 50% कारोबार पर इसका कब्जा था। दोस्तों, संजीव मेहता की योजना है अगले वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर एक बार भारत लाया जाए जहाँ उसका कभी साम्राज्य था। चाहे यह कंपनी आज भी कहने को ब्रिटिश कंपनी है, मगर मूल अंतर यह है कि अब इस कंपनी का दिल हिंदुस्तानी है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और संजीव मेहता का जो डिसीजन था कि उस कंपनी को अधिग्रहण करने का, तो वो आपको कैसा लगा और क्या आप भी गर्व महसूस करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज एक भारतीय के नाम पर है? तो ये वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी हमें बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।